तो संजय लीला बंसाली अपने हिस्टोरिकल फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं जहां पे ह्यूज सेट्स कलरफुल कॉस्ट्यूम्स ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ सॉन्ग्स एंड डांसेस होते हैं लेकिन उन्होंने अपने लीक से हटके 2005 में एक अलग ही किस्म की फिल्म बनाई थी फिल्म का नाम था ब्लैक और फिल्म में थे अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी ये फिल्म एक्टिविस्ट हेलेन केलर की ऑटोबायोग्राफी और उनके लाइफ पे बनी फिल्म द मिराकल वर्कर से इंस्पायर्ड थी फिल्म में रानी मुखर्जी ने एक ब्लाइंड एंड डेफ पर्सन का रोल प्ले किया था और अमिताभ बच्चन ने उनका टीचर का रोल प्ले किया था जिनको अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है और वो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगते हैं फिल्म में दोनों ने ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिया था और फिल्म को तीन नेशनल अवार्ड्स मिले थे इंक्लूडिंग बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी एंड बेस्ट एक्टर फॉर अमिताभ बच्चन फिल्म को रिकॉर्ड 11 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले थे जिनमें थे बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर फॉर अमिताभ बच्चन और बेस्ट एक्ट्रेस फॉर रानी मुखर्जी